अरे नहीं, सकने भी अंदर नहीं जाएगा, पेट में चिपका लेना अपना उससे। अंकल नहीं है क्यों? हाँ नहीं जाती का। इस काम के लिए मेरे उस्ताद है नहीं भाई, दिल्ली में हमारे घर के नीचे 80 साल से खिचड़ा बन रहा है, उन्हीं से मैंने ये सीखा है। मेरे उस्ताद है वो बंधु भाई हलीम वाले, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं, बंधु हलीम वाले तकरीबन 80 साल से हमारे घर के नीचे दिल्ली के अंदर हलीम बनाते हैं, जामा मस्जिद पे दिल्ली में। आप लोग जाएं तो नहीं भाई के जरूर हलीम खाएं, वही टेस्ट इसके अंदर आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सीखा उन्हीं से है। नहीं भाई क्या सुबह आएंगे, सो रहे हैं, थक गए अभी भी निकल रही है, तुमने हाथ लगा दिया, सब बढ़िया काम है। ये आप देख सकते हैं हमारे घर में एक नंदा भी है, और पीस रही हूं नंदा और। नंदा वो कौन सा गाना था वो नंदा का, एक प्यार का नगमा? नहीं 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 यार, अच्छा वाला रोमांटिक बताओ। ये समा, ये समा समा है भैया, वही मेरे को छेड़ो मत। बोल बेटा, बस लग जाए कि दूर से डाल। जावे जावे।
तो गाइज हम सब हैं वंडर लैंड पे और कल हमारे यहाँ है खिचड़ी की दावत, तो हम सब यहाँ पर रात में खिचड़ा चढ़ा रहे हैं और बहुत इन्जॉय किया सब घर वालों ने, खिचड़ा चढ़ाने को इन्जॉय किया हमने। और अब हम सब यहाँ आ गए गार्डन पे और यहाँ खिचड़ा चढ़ चुका है। आप लोगों ने देखा उसको कितनी मेहनत से और कितने मज़े लेके सब ने खिचड़े को चढ़ाया है। और उसके बाद हम सब यहाँ गार्डन में आ गए, खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद रात को यहीं पर रुकने वाले हैं सब, यहीं घर वाले इन्जॉय करेंगे। और कल आएंगे काफ़ी सारे गेस्ट जो कि खिचड़ी की दावत में आ रहे हैं और हम सब यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ये हमारा खिचड़े का प्रोग्राम। तो गाइज़ यहाँ पर घर वाले सब रुक गए हैं, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आने वाले हैं और हम सब ने खिचड़े को एक हल्की स्टीम पे, एक हल्की आँच पे रखा और खाना खाया। और खाना खाने के बाद हम फिर वापस यहाँ आ गए हैं चेक करने के लिए कि इसकी आग ठीक जल रही है या नहीं। और ये हमें रात भर चेक करते रहना है कि इसकी आग ठीक से जल रही है कि नहीं, और उसके बाद हमारी रात मस्ती मजाक के साथ गुजर जानी है। और उसके बाद कल सुबह गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो बने रहें इस व्लॉग को लास्ट तक देखें और एंजॉय करें हमारे साथ, दूर रहकर भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं गाइस। वो है ना, तब है ना। तो गाइज़ यहाँ पर सब लोग खाना खा चुके हैं और अंताक्षरी खेल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है और हम लोग बैठे हैं पूल साइड चटाई बिछाकर। और यहाँ पर सब लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं अंताक्षरी में, गाने बता रहे हैं, टीम बनी हुई है और हवा बहुत अच्छी चल रही है और अंदर जाने का किसी का भी दिल नहीं कर रहा। तो ये ज़बरदस्त इन्जॉयमेंट फैमिली के साथ आ सकती है, फैमिली गैदरिंग में आ सकती है, तो ज़बरदस्त लगता है जब अपने सब इकट्ठे
इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ अभी कुछ लोग और आ रहे हैं, उन्हीं का हम लोग वेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमारी टीम जो अंताक्षरी की है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और हम और ज़्यादा इंशाल्लाह से इन्जॉय करेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार नाइट गुजर रही है गाइज, और हम सब इकट्ठे होके अंताक्षरी खेल रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जो नहीं गा रहा वो भी हमें हेल्प कर रहा है, वर्ड बता रहा है, गाने बता रहा है, तो मज़ा आ रहा है गाइज। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो साइड में फॉरेस्ट लगा हुआ है ना, वहाँ से जो साउंड आ रहा है ना, एंटिक साउंड आ रहा है हमारे गानों के साथ मिक्स होके, तो वो हम हर तरह की आवाज़ें वहाँ से सुन रहे हैं और हवा बहुत हसीन है। सुबह आएगी चलो चलो किस पे खत्म हुआ? क्या आया? क्या आया? क्या आया? गोरियां कलाइयां तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बदा ले मुझे बाल मां, गोरियां कलाइयां कहने दो जी, कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। रुक जाओ जाने वाले रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का।
गाइस चाय बन गई है और हम चाय लेके चल रहे हैं बाहर की तरफ और सब बाहर बैठे हुए चाय का इंतज़ार कर रहे हैं और अंताक्षरी का प्रोग्राम चलते चलते अचानक से सब लोग नहाने बच्चे चले गए और हम आ गए चाय बनाने किचन में। और अब हम चाय पी के वापस से आग चेक करने जाएंगे क्योंकि हमें एक एक घंटे से जाके देखना है आग को ना तेज़ होने देना है और ना ही उसे बुझने देना है, उसको स्लो रखना है ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से सारे जो उसमें अनाज डलते हैं वो सब गल जाएं बहुत अच्छे से। तो बस अभी चाय पी लेते हैं बैठकर और उसके बाद चलते हैं फिर से किचन की तरफ। तो गाइज़ वंडरलैंड में रात गुजारना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग पहली बार रुके हैं यहाँ पर लेकिन इतना मज़ा आ रहा है, हम यही सोचते थे कि जब सब होंगे तो इंशाल्लाह तब भी नाइट स्टे इधर करेंगे। तो अभी माशाल्लाह ये सब लोग हैं और अभी इंशाल्लाह और लोग आ जाएंगे तो और मज़ा आएगा। सारे ही यहाँ बैठने वाले हैं, जागने वाले हैं और सारी रात मस्ती करने वाले हैं और हरीम जो बन रही है खिचड़ा उसका ख्याल रखने वाले। तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं गाइस, बहुत ही अच्छा वेदर साथ दे रहा है क्योंकि हवा चल रही है, बारिश नहीं हो रही। हमने सोचा भी था कि बारिश ना हो और मौसम बहुत ही अच्छा बना रहे तो बस हवा चल रही है। तो गाइस सब लोग आ चुके हैं, जिन जिन को अभी यहाँ पे नाइट स्टे करना है वो सब आ चुके हैं और देख सकते हैं आपके वंडरलैंड पे रात में भी दिन निकला हुआ है माशाल्लाह से। और हम जा रहे हैं चूल्हे की आग चेक करने के लिए और हमारे साथ जा रहे हैं कुछ एक्सपर्ट जो कि आग लगा लेंगे क्योंकि मुझे चूल्हा जलाना अभी तक नहीं आता गाइस। नहीं तो आप लोग आए थे मम्मी के बना दी।
लगे थे, बना तो दिए एक मिनट के लगा, एक बार चाय लगी मेरे को। यही बना लो, दूध भरा पड़ा है। एक दो तीन चार पाँच छह सात, कोई अच्छी चाय बनाने वाला बना। अरे ये लोग अच्छी बनाते। जा मेरे बच्चों, जा आओ मेहमू, जा मेहमू। हाय, ये बच्चा इतना प्यारा किसका है, किसका है ये इतना प्यारा, किसका इतना भला बच्चा? क्या बोल रहा है? गई तो गाइज़, जैसा कि कुछ लेडीज़ कहीं इकट्ठी होती हैं तो फिर उनकी जो बातें शुरू हो जाती हैं ना, वो ही वाली बातें शुरू हो गई हैं, तो मुझे करना पड़ रहा है वॉल्यूम बंद। और यहाँ पर हम इनकी जो बातें हो रही हैं ना इन लेडीज़ की, वो मैं आपको नहीं सुना सकती गाइज़, क्योंकि ये पर्सनल गॉसिप्स हो रही हैं इन लोगों की इधर उधर की, तो इसमें अपन लोग कुछ इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अपन खामोशी से नज़ारे देखते हैं। और सुबह हो रही है गाइज़, 5 बज चुके हैं, और देखें आप, एकदम से अंधेरा आसमान था और उजाला शुरू हो गया है ना, तो ये देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है मंज़र माशाल्लाह से। और ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर मॉर्निंग में हूँ कि मैं यहाँ पर सुबह होती हुई देख रही हूँ, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड तेज़ हो गए हैं जब से, जैसे ही फजर की अजानें शुरू हुई हैं, तो यहाँ पर सामने माशाल्लाह से सारे परिंदे आ गए हैं। और मैं मूसा को बोल रही हूँ, मूसा अभी सोया नहीं, तो मैं उसे बोलती कि थोड़ा सा इन परिंदों के लिए हम बाजरा वगैरह डाल देते हैं, लेकिन मूसा उठ जाए तो मैं उसे ज़रूर बोलूँगी। फ़िलहाल सारे ही लड़के सो रहे हैं और हम लोग जाग रहे हैं, तो हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो खिचड़ा है, जो हलीम बन रही है, वो उसकी आग का क्या हाल है। तो गाइज़ हम चलते हैं किचन की तरफ, और आप भी चलें हमारे साथ और देखें कि खिचड़े की आग की पोजिशन क्या है। Thank you.
ज्यादा बच्चे भाई बंधु नीचे अदरक काटते थे और हरी मिर्चें, मैं उतरते चढ़ते घर में जा रहा हूँ आ रहा हूँ, जब भी गए तो डला हुआ होता था, दो चार मार दिए। मेरी प्रैक्टिस हो गई थी वहाँ, अब प्रैक्टिस छुट गई। महिलाएं आ रही, चाय बन रही है और कोई बाथरूम गया हुआ है, कोई मुंह धो रही है। आ रही है चाय ले। क्या पंचायतें लगाओगे तुम लोग, पंचायतें लगती थी हमारे जमाने में। नहीं ये लोग आए नहीं ना, मैं इसलिए चला गया, मेरा दिल टूट गया। अरे बार बाजी तू चाय बना थी से। तू भी नहीं आई, ये लोग में जब जब तुझे शिलादी ने यास्मीन ने भतीजे ने फोन कर दिया था तुझे Thank you.
आग देखने आ रही है तो बार बार भैया सबसे शानदार है महमूद कहीं चल रही वो देखो उधर नाश्ता शुरू भी हो गई है नाश्ता शुरू हो गया आने वाले को ज्यादा मिलेगा पार्सल कर काम कर रहे हैं लड़के भैया हमें नहीं मिली तो मिलेगी वही कलर आ गया और दिखा के लिया उधर पोहा दिखाओ उन्हें और आ जाओ अरे अभी मिले थे वो लोग होटल पे कौन चम्मच हाँ ना मैं ले लूंगी हाँ अरे बहुत है अभी तो वो भरा हुआ है कटोरा सभी के हाथ लगवा दिए आज भाई थोड़ी मेहनत करिए तुम
तो गाइस कुछ इस तरह से बाहर जेंट्स का और अंदर लेडीज़ का इंतज़ाम किया हुआ है, और यहाँ पर भी टेबल लगा रखी हैं हमने, और अंदर भी गार्डन साइड टेबल्स लगा रखी हैं जहाँ पर कि लेडीज़ का इंतज़ाम है। और गाइस उसके बाद मेहमानों का आना शुरू हुआ और फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाई, वीडियो नहीं बना पाई, और सभी लोग खाना खिलाने में बिज़ी हो गए, और उसके बाद हमने वीडियो शूट नहीं की, और हमारी सारी मस्ती मजाक सब रात में ही हुआ। उसके बाद हम सब काम में लगे हुए थे, और मेहमानों के आने से पहले जितने भी फ़ोटो वीडियो और रील्स बनना थे बन गए, उसके बाद कोई लाइन नहीं थी, और बस सिर्फ हम लोग गेस्ट को अटेंड कर रहे थे, इसलिए मेरा आगे का व्लॉग नहीं है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।